बोले हुआ क्या? बोले भैंस मर गई यार, तुमने क्या दवा दी? बोले वो तो मेरी भी मर गई थी। तो ऐसी जगह सलाह नहीं लेना कि उसकी बीमारी है, वहां तुम भी सलाह लो, बोले तेरी भी मर गई तो क्या फर्क पड़ता, तो मेरी भी मरी। एडवाइस विद पीपल जिनको उसमें एक्सपीरियंस है। मैं जल्दी से आता हूँ। एक कंपनी है वर्ल्ड वाइड, 1959 में शुरू हुई ये कंपनी, आपको राइट देती है, आप इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यू डायरेक्ट इसके साथ अटैच होते हैं। इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई आपको जो पहले से यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन है, जो आपका बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर होता है, वो आपको इंट्रोड्यूस करता है, आप स्पॉन्सर होते हैं। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको शुरू में बोला था अनुभव मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बिना अनुभव के चलेगा नहीं। नोट कर लीजिए, अनुभव मिलेगा, कहाँ मिलेगा? यूनिवर्सिटी है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, सक्सेसफुल लोगों का एक्सपीरियंस। इनकी बुक्स हैं, सीडीज हैं, फंक्शंस में ये मिलते हैं। अभी 8 तारीख को फंक्शन है, एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिनकी जड़ें कहीं ना कहीं यहीं से हैं। उनकी ससुराल है बनारस में, कहाँ है अजय? यानी जो मैडम है वो बनारस से है बेसिकली, और इस बिजनेस को आज से करीब 18-20 साल पहले शुरू किया था बिजनेस के अंदर, और आज ना खुद करोड़ों बनाते हैं, उनकी टीम में कई लोग हैं जो करोड़ों बनाते हैं। आपको लगता है ऐसे लोग सिखा सकते हैं? लेकिन वो 8 तारीख की इवनिंग आपको खाली रखनी है, वो फंक्शन में आपको सिखाएंगे। तो यहाँ से हमने सीखना शुरू किया, और स्टार्ट में हमने अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी। अभी यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास है इंडियन मार्केट के अंदर, राइट? अभी जो प्रोडक्ट इंडिया में कंपनी बनाती है, जब ये कंपनी 1959 में इंडिया में आई थी, तो इनके पास उस समय बहुत कम प्रोडक्ट थे, 6 प्रोडक्ट थे। इन्होंने प्रोडक्ट शुरू किया था, और 1 लीटर से नीचे कोई डब्बा नहीं था। आज की डेट में इनके पास 6 रुपये का पाउच भी है, 45 रुपये की शेविंग क्रीम भी है, और 275 रुपये का शेविंग फोम भी है, 25 रुपये का ब्रश भी है, और 40 रुपये का ब्रश भी है, 45 रुपये का सोप भी है, 40 रुपये का बॉडी शैम्पू भी है। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में बिजनेस करना चाहते हैं, राइट? अभी बड़े प्रोडक्ट भी आ गए, ऐसे लोग जो जिंदगी में पैसे बना रहे हैं लेकिन जीवन को और बेहतर जीना चाहते हैं, उनके लिए हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी है, घर में खाना बनाने के लिए, जिसमें न्यूट्रिशन कंजर्व रख सकते हैं आप। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एटमोसफियर ड्राइव, कार के अंदर एयर प्योरीफायर, राइट? आप सब लोगों को कितने लोग हैं जिनके पास कार है? हम कहेंगे। और कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों को जानते हैं जिनके पास कार है? अच्छा, सब लोग। तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपके उन दोस्तों के लिए जिसके पास है। आप सब जानते हैं कि जो बनारस शहर है वो दुनिया के अंदर पोल्यूशन के मामले में 3रे नंबर पर है। तालियां दे सकते हैं आप? नहीं, तालियों का मामला नहीं है, क्योंकि पोल्यूशन में नंबर 3 है हम। दुनिया की टॉप 14 पोल्यूटेड सिटीज हिंदुस्तान के अंदर है, राइट? और दूसरी जो खबर है वो ये है कि कार के अंदर ये जो पोल्यूशन होता है नॉर्मल केस में लगभग 15 गुना ज्यादा होता है, और अगर आप ट्रैफिक में हैं तो 29 गुना ज्यादा होता है। तो लगता है कि भी कुछ होना चाहिए, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये एकाएक पोल्यूशन नहीं बढ़ा है, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं उन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जब वो 25-30 साल के होंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उनको बहुत जल्दी से होने वाली है, राइट? तो उसके लिए एमवे ने बहुत पहले एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हमारी कंपनी ने, एटमॉस्फेयर ड्राइव, राइट? और उसकी बहुत लेकिन आपके लिए क्या खबर है कि ये जो पोल्यूशन है अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और आप बहुत सारे एटमॉस्फेयर ड्राइव का बिजनेस कर सकते हैं। अब आप तालियां बजा, क्योंकि वहां भी अपॉर्चुनिटी है, राइट? तो आपने यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट नॉलेज लिया, पहले यूज किया, आपने देखा कि इनके पास क्या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कास्ट वाइज क्वालिटी वाइज बेहतर हैं, आपने इस्तेमाल किया, आपने घर की कुछ सेविंग की, और अब आपने कुछ 4-6 लोगों को रिकमेंड किया जो प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हैं, जो प्रोडक्ट से आप संतुष्ट हैं, वो कुछ लोगों को बता सकते हैं? क्योंकि देखिए, एक चीज मुझे सबसे खराब लगता था, लेकिन एक बात जब मैंने देखा कि जिनको हम बहुत सम्मान करते हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, अगर वो ऐसे प्रोडक्ट को बहुत प्यार से बता सकते हैं जो वास्तव में अच्छे नहीं है, या वो इस्तेमाल नहीं करते। देखा है नाम, सॉरी टू से नाम, अमिताभ बच्चन को देखा बहुत सारे प्रचार करते हुए, तो क्या लगता है वो सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं?
या वो इस्तेमाल भी करते होंगे? नहीं, बहुत सारे यू नो क्रिकेटर्स हैं जो वो जिनको आप बहुत दिल से सम्मान करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, कभी सोचा है? वो अच्छे हैं नहीं है इसलिए नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ऐसे प्रोडक्ट जिससे आप संतुष्ट हैं, जिससे आप खुश हैं और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो, तो कुछ लोगों को बताया जा सकता है कि नहीं? हेलो, अगर आपने 10 लोगों को बताया, मान लीजिए जल्दी से आपने 2000 से लेके 10,000 का प्रोडक्ट घर में कंज्यूम किया और 10 से 15 लोगों को वही प्रोडक्ट आपने बता दिया, तो आपका जो टर्नओवर होगा वो 10,000 रुपए से लेके महीने का 50,000 रुपए महीने का होने लग जाएगा। मैं मिनिमम साइज देता हूँ 10,000, यूज किया 1,000-2,000 का और 4-5-10 लोगों को यूज करा दिया, तो महीने का 10,000 का टर्नओवर हो गया। वो 10,000 में आपका कंजम्पशन भी शामिल है। अब आपने 10,000 का टर्नओवर किया तो कंपनी आपको क्या देगी? इन सारे टर्नओवर के अलावा 6-30% ये आपका होलसेल कमीशन है कि अगर आपका टर्नओवर महीने का लगभग 10,000 होता है तो आपको 6% मिलता है, लगभग महीने का 50,000 होता है तो 9% मिलता है, 1,20,000 रुपये होता है तो बोलिए 2,40,000 होता है तो, 4,00,000 का होता है तो, 7,00,000 का और 10,00,000 का। ध्यान रखिए, टर्नओवर अगर आप अकेले करते हैं तो पूरा पैसा आपको अकेले मिलेगा, कोई शर्त नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको इम्पावर करती है कि आप जितना अकेले कर सकते हैं उतना करिए और जो लोग और कर सकते हैं उनको आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। ठीक बात है, तैयार है? आपने 10,000 का टर्नओवर करना सीखा। अगर आप इस बिजनेस से कुछ पैसे बनाना चाहते हैं तो 10-20-50 लोगों को यही बात सिखा सकते हैं? हेलो, बता सकते हैं? मान लीजिए आपने 50 लोगों से बताया, कुछ लोग प्रोडक्ट लिए, कुछ लोगों लोग बिजनेस के लिए आ गए, 10-12 लोग आ गए, सपोज करिए 5 लोगों ने वही काम किया जो आपने किया था, आपने क्या किया था? यूज किया था, यहाँ से सीखना शुरू किया था और पैसा बनाना चाहते थे, तो 5-1-6 लोग 2 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे काम हो गए? 12। 10,000 का टर्नओवर करते हैं, कितने का हो गए? 60,000। अब कंपनी आपको यहाँ देखने लग जाती और आपकी जो इनकम होती है वो 2,500-5,000 रुपए होने लगे। बट इट्स जस्ट अ बिगनिंग। अभी आपकी जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हैं। हेलो, तो जो करना चाहता है ध्यान रहे, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, जो पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है उसके साथ काम करिए, यानी जो बिजनेस करे उसके साथ काम करिए, जो ना करे उसको प्यार करिए। हेलो, क्योंकि वो अभी नहीं करेगा, हो सकता है 2 साल बात करे, हो सकता है 5 साल बात करे, हो सकता है 10 साल बात करे, हो सकता है 15 साल बात करे और हो सकता है वो ना उसका बेटा करे। यस, अभी हम लोगों के बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं हमारी सेकंड जनरेशन ने बिजनेस शुरू कर दिया, क्योंकि अभी वो 15 साल में आपकी जिंदगी के और जो लोग नहीं कर रहे उनकी जिंदगी के चेंजेस में फर्क लग जाएगा। अभी हम लोगों ने ये बिजनेस किया तो पिछले लगभग 8-9 साल से हर साल फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं। अगर हम आपको जल्दी से कुछ अपने विदेश यात्रा के बारे में बता दें जल्दी से, अभी हम लोग रिसेंटली दुबई होके आए और दुबई में जिस होटल में हम रुके थे, कंपनी ने रुकवाया था, वो दुनिया का उस वक्त 40th होटल था, राइट। उसके पहले हम बाली होके आए, उसके पहले हम पेरिस होके आए, उसके पहले कनाडा टोरंटो, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न, उसके पहले स्विट्जरलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, पता नहीं एक दो जगह छूट गया होगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत महान काम किया। हाँ, मास्टर होके विदेश घूमता है महान काम है, आई एग्री, क्योंकि अगर मैं सिर्फ टीचर होता तो जिंदगी में सोच नहीं सकता था एफिल टावर पे बैठ के कॉफी पीना, किताबों में पढ़ा सकता था बच्चों की कि एफिल टावर यहाँ पे है, आया ना, नियाग्रा फॉल किताबों में पढ़ा था, वो फॉल के अंदर जाके उसके एक्सपीरियंसेस नहीं ले सकते थे जिंदगी में, तो ऑफकोर्स बड़ा काम है। लेकिन आपको हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया, हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी पे 2-3 साल काम करें तो आपके लिए भी वो सारे अवसर अवेलेबल हैं। अभी अभी आप कुछ लोगों से मिलेंगे जिन लोगों ने पीछे 2-5 साल में काम किया और वो इस साल सिंगापुर हम लोगों के साथ जा रहे हैं, राइट। तैयार है आप लोग? चलिए, तो यहाँ से फटाक से जब आपको ये सारी चीजें मिलने लगा कुछ लोगों को सिखा सकते हैं। अब इसमें से कोई तेज काम करेगा, कोई धीमा, अगले 6-12 महीने में किसी की टीम में 20 लोग आ गए, किसी की टीम में 15 लोग आ गए, किसी की टीम में 5 लोग आ गए, तब तक कुछ आपने नए और डिस्ट्रीब्यूशन टीम क्रिएट करा,
मोटा मोटी 40 लोग मान लो आ गए यूज करते हैं और कुछ लोगों को यूज कराते हैं, तो कितने हो गए 80। दो घंटे काम हुआ कितने घंटे काम होने लग गया 10,000 का टर्नओवर, तो कितने का टर्नओवर हो गया। अभी आप स्टार 15% होते हैं और अब आपकी इनकम 15,000 से 25,000 रुपए महीना हो जाती है। एवरेज टाइम आज की डेट में फास्ट ट्रैक जो बिजनेस है उसमें ये काम आप 12 महीने में कर सकते हैं, यदि आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 12 महीने में कम से कम 15% के बिजनेस में आप पहुंच सकते हैं। एक एवरेज चल रहा है राइट 15 से 25,000 रुपए। फिर आप अगले 6 से 12 महीने में काम करते हैं, 20 की टीम 40 की हो गई, 15 की टीम 30 की हो गई, 10 की टीम 15 की हो गई, 5 की टीम 15 की हो गई, कोई नई टीम 2-4 की आ गई, आपने कुछ नए लोगों को रिक्रूट किया, मोटा मोटी 100 लोग हो गए, 2 घंटे काम करते हैं, 200 घंटे काम हुआ, 10,000 का टर्नओवर करते हैं, 10,00,000 का टर्नओवर हुआ। अभी जब आपका 10,00,000 का टर्नओवर होगा 21% डिस्ट्रीब्यूट होगा और अब आपके हिस्से 50-60,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए या उससे ज्यादा पैसे बन सकते हैं। हेलो, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और ये काम ऑन एन एवरेज 1 से 3 साल में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग और जल्दी कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके हंगर पे, आपके ऑलरेडी अपनी सिचुएशन पे, लेकिन 1 से 3 साल इज एवरेज टाइम राइट। जब आप कुछ लोगों को ये चीज सिखाना शुरू कर देते यू मेक टू विल बी सिक्योर, जब आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन से वो 10,00,000 का टर्नओवर आने लग जाता है तो मिनिमम 45,600 रुपए एज ए रेसिडुअल इनकम आपको आने लग जाता है। यू मेक 3 विल बी फ्री, अगर 3 ऑर्गेनाइजेशन से आपको वो 10,00,000 से टर्नओवर जाने लग जाता है तो आप इस बिजनेस की भाषा में एम्ब्रॉयड बोले जाते हैं और लगभग 15,00,000 से लेकर 35,00,000 रुपए के बीच में आपकी इनकम सिक्योर्ड इनकम बनने लग जाती है। एंड यू मेक 6 यू विल बी रिच, आप वहां पे डायमंड बोले जाते हैं और फिर आपकी जो इनकम होती है 40,00,000 से लेकर करोड़ या उससे ज्यादा की होती है साल की, एक सिक्योर्ड इनकम होती है, यू आर अ डायमंड देयर। अभी जो 8 तारीख को पर्सन आ रहे हैं वो बिजनेस के अंदर डायमंड है और ना सिर्फ खुद डायमंड है उनकी टीम में भी डायमंड है, तो लगता है सिखा सकते हैं। हेलो, सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शाम को 6 सनों अपने आप को आपको फ्री रखना पड़ेगा राइट। तैयार है? तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आज भी कुछ लोगों ने, अभी जिन लोगों ने बनारस में पीछे काम किया वो लोग हैं जिनसे आप मिलेंगे। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा लेकिन मैं 2 मिनट वाइफ से चाहूंगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो फैमिली बेस्ड बिजनेस है और जब आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर ये बिजनेस करते हैं तो 1-1 2 नहीं होता, फिर वो 11 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल पे चलता है। क्लियर हो रही मेरी बात? मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर में चलता है। तो जो मुझे बहुत हेल्प करती है, अगर वो नहीं होती तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं बन रहा। मैं आपकी इस हेल्प से उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। संगीता पांडे प्लीज जितने अभी गए नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता हाउस वाइफ हूँ और यह बिजनेस मैं अपने हस्बैंड के साथ आज 10-12 सालों से मिलकर कर रही हूँ पार्ट टाइम में। और दोस्तों यह बिजनेस बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है और बिजनेस करना 10-12 सालों के पहले तो बहुत ही कठिन था, क्योंकि प्रोडक्ट 6 थे और 1-1 लीटर का प्रोडक्ट थे तो उस समय 4400 रुपए ज्वाइनिंग के लगते थे दोस्तों। तो बिजनेस उस समय करना 50 पीपी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन दोस्तों आज यह बिजनेस बहुत ही पोटेंशियल का बिजनेस है। आज कब कैसे लोग इस बिजनेस को सीख करके ऐसे ही संगत में आ करके ऐसे ही बिजनेस प्लान को देख करके कैसे मोटिवेट हो करके इस बिजनेस प्लान को देखते हुए और ज्वाइन कर लेते हैं। आज तो बिजनेस फ्री का है, समझ लीजिए ज्वाइनिंग फ्री का है, कुछ पैसा नहीं है, जीरो है ना। तो बिजनेस करना आज बहुत ही आसान हो गया है। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि बिजनेस अभी भी बहुत कठिन लगता है, आप लोग कैसे कैसे इस बिजनेस को आगे करते हुए आप यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन दोस्तों बिजनेस को आप दिल से विश्वास से, तो विश्वास आएगा कहाँ से, पहले अपने आप के अंदर आएगा। अपने आप को अगर चेंज कर देते हैं तो बिजनेस ऑटोमेटिक एक दिन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। यह बिजनेस बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, जिसको इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है उसको बहुत कठिनाई लगती है। रास्ते कठिन के बहुत होते हैं, लेकिन उस कठिन रास्ते पे चलने के लिए पहले आपको पाँव बाहर बढ़ाना पड़ता है। जिस दिन आप पाँव बाहर निकाल देते हैं और उस कठिन रास्ते से आप बहुत संघर्ष करते हुए एक दिन वही पाँव आपका सही रास्ते पे आ जाता है,
लोग जाते हैं अनजान जगह पे तो बहुत पूछते हैं कि फला गांव कहाँ है, फला रास्ता कहाँ है, लेकिन जब आप रास्ता जान जाते हैं तो वही आसान हो जाता है। सेम सिचुएशन या बिजनेस का ही, जब तक आप अंदर से बाहर से प्रोडक्ट को, बिजनेस प्लान को नहीं देखते हैं तब तक बहुत मुश्किल लगता है ना। यह बिजनेस और बिजनेस से, बाहर का बिजनेस से बहुत ही अलग बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने लोगों के साथ इस बिजनेस प्लान को समझिए। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। जिस दिन आप इस बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से और दिल से विश्वास से देखते हैं उस दिन बहुत मजा आएगा। हम लोग पहले बिजनेस ज्वाइन करके आए थे तो लगता था बहुत कठिन, बहुत आग दौड़ करते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों वह भाग दौड़ आज हमारे घर की सुर्खियाँ बदल दी। आज हम बहुत खुश रहते हैं इनसे कि थैंक गॉड उस दिन इस बिजनेस इनको समझ में आ गया और इन्होंने बिजनेस हार्ड वर्क किया और आज हम कहाँ से कहाँ हो गए, नहीं बेटा, है ना। इस बिजनेस को करने के लिए हमें कुछ चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे इस फंक्शन में आना। जैसे बहुत लेडीज है ना, नहीं आती हैं, कहती हैं कि हस्बैंड का बिजनेस हस्बैंड करेंगे। नहीं, ये फैमिली बेस्ड बिजनेस है। अगर फैमिली यहाँ इन्वॉल्व रहेगी हस्बैंड के साथ तो आपका बिजनेस दोगुना हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो लेडीज ही 100% यूज करती हैं। अगर प्रोडक्ट के नॉलेज नहीं है तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, आप प्रोडक्ट को यूज करिए। जब आप खुद विश्वास उस प्रोडक्ट के बारे में हो जाएगी तो आप लोगों से बात करेंगी। जैसे हम लोग घर में सिंपल बात करते हैं वैसे लोगों के साथ बैठकर सिंपल तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बताना है। बिजनेस बहुत ही अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। जैसे हम इनका काम है प्लान को दिखाना है। कहीं नए जगह हम नए व्यक्ति के पास जाते हैं तो प्लान दिखाते हैं, पर लेडीज को जब हम जाते हैं उनके घर तो लेडीज निकल के बाहर आती हैं। अगर लेडीज नहीं आएंगी तो प्लान अधूरा रह जाएगा। तो प्लान दिखाना बहुत जरूरी है और उसके साथ प्रोडक्ट का डेमो बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट का डेमो, जैसे आर्टिस्टी है, एटीट्यूड है, होम केयर है, पर्सनल केयर है और हर्बल है, अभी देखिए हर्बल का अपना ग्लिस्टर आ रहा है, हर्बल के जो है डे नाइट क्रीम आ रहा है, ये सब हर्बल का आ रहा है, तो इससे बिजनेस आपका दोगुना हो जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा हस्बैंड के साथ पार्ट टाइम मिलकर, जो जॉब में है तो पार्ट टाइम साथ रहना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला करके इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आज टाइम हमारा नहीं है, आज कुछ स्पेशल लोगों का टाइम है यहाँ। आज उन्होंने पार्ट टाइम करके इस बिजनेस को कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, आज हम उनकी स्टोरी सुनेंगे कि इस बिजनेस को कैसे किया और यहाँ तक आज उन्हें कदम रखा है। तो दोस्तों इस बिजनेस में हम हस्बैंड वाइफ फुल टाइम हो करके वाइफ और साथ दे करके पार्ट टाइम में कर सकती हैं। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं दोस्तों, आप सब बहुत ही लकी हैं, कहीं न कहीं से आप जुड़े हुए हैं और इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप सब कर सकते हैं, थैंक यू दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस बिजनेस में हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे अभी बताए ना 12-13 सालों से हम सब वर्ल्ड टूर घूम रहे हैं। सिंपल वाइफ कहाँ जा सकती हैं और टीचर के साथ, है ना। मास्टर है और मास्टर की पत्नी हो जाओ तो कहाँ संभव है। मैका बहुत करेंगे, साल की छुट्टियाँ में एक दो जगह घुमा देंगे, लेकिन दोस्तों बिजनेस में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। आज हम 12-13 सालों से हस्बैंड वाइफ बच्चे वर्ल्ड टूर की यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। और कुछ लोग आज डिसीजन लिए हैं और काम किए हैं, कुछ लोग काम करके मुकाम हासिल किए हैं और आज हमारे साथ इस साल सिंगापुर जाने वाले हैं। थैंक यू। तो दोस्तों हम अपने वाइज बिजनेस को कर सकते हैं तो आप सब बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय। दोस्तों तालियां उसी तरह जबरदस्त होनी चाहिए। जरूरी सूचना है, किसी की चाबी गाड़ी में लगी रह गई थी, प्लीज जिनका भी हो वो हमसे आके कलेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद का कैसे बिजनेस बढ़ रहा है, तो आज 6%